यहाँ से मैं अगर उस रोड के कोने तक पैदल जाता हूँ तो मुझे 10 मिनट लगेंगे, बट अगर यही सेम डिस्टेंस मैं बाइक से कवर करता हूँ तो मुझे मात्र 2 मिनट लगेंगे। सेम इसी तरीके का इफेक्ट फैट बर्नर डालता है आपके फैट लॉस प्रोसेस पे। वर्कआउट और डाइट कंट्रोल करने के बाद भी फैट लॉस करना एक लंबा प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को शॉर्टन एंड ईजी बनाने के लिए फैट बर्नर यूज किया जा सकता है। सो जो लोग भी फैट लॉस को लेकर सीरियस हैं वो फैट बर्नर खा सकते हैं। फैट बर्नर को बाइक से कंपेयर करना ही गलत है, पर फिर भी अगर कंपेयर करना ही है तो फैट बर्नर बाइक का चौथा गियर बनेगा, क्योंकि जब तक आप पहले दूसरे गियर पे अच्छे से गाड़ी चला नहीं लेते या खुली रोड आपको नहीं मिलती तब तक आप चौथा पांचवा गियर नहीं लगा सकते। सेम वे जब तक आप अपनी डाइट में से गलतियां नहीं निकालते, सही डाइट लेना शुरू नहीं करते, जब तक आप एक एफिशिएंट अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज नहीं करते, फैट बर्नर का कोई भी इफेक्ट आपको मिलेगा भी नहीं, साइड इफेक्ट जरूर मिलेगा। जैसे आप गाड़ी पे बैठते ही डायरेक्ट चौथा गियर लगाओगे तो गाड़ी कभी चलेगी नहीं, और पांचवा गियर तो आपको पता ही है क्या है, वो तो वैसे भी नहीं लगाना चाहिए। थर्मोजेनिक फैट बर्नर्स किसी भी कंपनी, किसी भी प्रकार के, किसी भी इंग्रेडिएंट के हो, वो आपकी बॉडी के अंदर बेसिकली मेटाबॉलिज्म बूस्ट कर रहे हैं, हीट जनरेट कर रहे हैं, आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करेंगे, हार्ट रेट, पल्स रेट, आपका बीपी, आपकी ये सब चीज़ों को बढ़ाएंगे। कुछ लोग उसे सहन कर पा रहे हैं, बैलेंस कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी वो मैनेज हो पाएगा या आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं आएगा, आपको किसी प्रकार की दूसरी बीमारी नहीं उत्पन्न हो जाएगी। जो लोग वेट लॉस के लिए सीरियस नहीं है उनको पहले सीरियस होकर अपनी डाइट और लाइफस्टाइल एक्सरसाइज पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इजियर मेथड्स फैट बर्नर्स पे डायरेक्ट जंप करना। तो ऐसे किसी के भी कहने पे उठा के कोई भी इस प्रकार के इजी रिजल्ट्स वाले सप्लीमेंट्स लेने की सोचना भी मत।